अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मेहरान हैदर, वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, डॉक्टर ईसा लैब, अबुल हसन इस्पानी रोड ब्रांच। सो आज बेसिकली हमारा यहाँ पे इंट्रैक्शन का बेसिकली जो रीज़न है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिफ़ाइन करना। व्हाट इज़ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस? बेसिकली जब नी जॉइंट में टिबिया और फीमर के दरमियान फ्रिक्शन इंक्रीज होने लगे जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाए और उसके बाद उसमें स्पेस रिडक्शन होने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है एंड 45 प्लस में, जब कैल्शियम डेफिशिएंसी और ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी फीमेल्स में स्टार्ट होती है। बेसिकली ये ओबीज आइदर मेल और फीमेल, जो भी ओबीज होंगे उनमें भी कॉमनली आपको मिल सकता है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले नी पेन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद स्वेलिंग स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद वेट बेयरिंग पोजिशन लाइक वॉकिंग है, नमाज पढ़ रहे हैं, स्टेयर्स क्लाइंबिंग, कमिंग डाउन, उनमें पेन आएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड्स, सबसे पहला जो ग्रेड ज़ीरो है वो उसमें कुछ भी फील नहीं होता है, मैन नॉर्मल होता है। ग्रेड वन में माइनर पेन स्टार्ट होता है, ग्रेड टू में बोन्स में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ग्रेड थ्री में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन जो इंक्रीज़ होती है वो दूसरी बोन के साथ कोलाइड करने लगते हैं और उसके साथ साथ स्वेलिंग होती है। जो ग्रेड फोर है, ग्रेड फोर मोस्ट कॉमनली जब बिल्कुल एंड स्टेज होती है जिसके बाद TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट इंडिकेट हो जाता है, तो उसके लिए होता है। ग्रेड वन टू ईज़िली फिजियोथेरेपी से रिकवर हो सकता है। ग्रेड थ्री में भी कुछ हद तक प्रिकॉशंस और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ हम फिजियोथेरेपी से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। एट लास्ट ग्रेड फोर में हम जो है सिर्फ मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट ये इंडिकेटेड होती है।